फिर भी देख बट एक्टिंग करेगा एक्टिंग में शुरुआत बहुत सही था रोलिंग एक्शन ओके गुड गुड मुकुर वेरी गुड गेटिंग अप करो गेटिंग अप वेरी गुड ए सुपर वेरी गुड लिटिल मूव करो वेरी गुड लिटिल बार जाओ गेटिंग अप करो हाँ वेरी गुड मोर गेटिंग अप करो ओके जूते से मर रहा है इसको मैं मर रहा है ये एक्चुअली फनी मोमेंट शुरू हुई थी एक दिन पहले मेरा टॉर्चर का सीन चल रहा था कि मैं मुझे इन लोग ने बांध के रखा और टॉर्चर और मुझ पर और वहाँ पे वो जो कैरेक्टर थे हमारे अभिताश जो कि पटेल का कैरेक्टर प्ले कर रहे वो मुझे बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं वो सीन होने के बाद में डिसाइड ऐसे हुआ था कि पटेल का तो अभी उसे मारने वाला सीन है जो क्लाइमैक्स में तो उसको ऐसे क्या करें कि उसको कैसे उसका डेथ बताएं तो हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर है वो हमारे डायरेक्टर साहब हैं फिर जो हमारे डी ओ पी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उनको जो पटला कैरेक्टर उनके बम पे मतलब शूट करूँगा ठीक है फिर नेक्स्ट डे हम लोकेशन पे गए और वहाँ पे वो शूट करना था कि पटला का डेथ वाला सीन और अगर वो डेथ हो जाता तो उसके बाद हम लोग और दूसरा सीन करने वाले थे बट उस दिन ये हुआ कि किसी ना किसी तरह उसका डेथ सीन कम्प्लीट ही नहीं हो रहा था अगर गोली मार रहा हो तो ब्लड नहीं निकल रहा कहीं पे गन का प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं पे कैमरे का प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पे सब लोग परेशान हो रहे हैं बोले भाई ये बटलिया मर क्यों नहीं रहा है ऑब्वियसली अगर ये मरेगा तब जाके कोई दूसरे कैरेक्टर का एक्टर का सीन होगा ना सुबह हो गई दोपहर हो गई अब सब परेशान यार ये बटलिया मर रहा नहीं और वहाँ पे बटलिया टेंशन में अब वो क्या कर रहा है जब भी हमारा शूट चल रहा है तो अपना बम दिखा रहा है बोला मार अरे बोले यार मारे कैसे तो उसको समझा रहे भाई तुझे खुद नहीं बताना है वो कॉन्सिडेंटली इंसिडेंटली हो जाना चाहिए ठीक है फिर नेक्स्ट सीन कर रहे हैं फिर एक्शन वैक्शन हो रहा है फिर अचानक बम दिखा रहा है बोले मार वो बहुत फनी सीन था फिर फाइनली वो जाके शाम को शूट हुआ प्रॉपरली कि वो सीन मिल गया और डेफिनेटली हमें अगले दिन बाकी का शूट करना पड़ा जैसे एक्शन एक्शन की बात है तो हमें यहाँ पे ना वो ऐसे वो फिल्मी फाइट नहीं दिखाना था कि उड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे प्लान किया गया था कि एकदम रियल जो फाइट रियल होता है रॉ फाइट होता है वो है तो यहाँ पे जब अगर मुझे वहाँ पे मट्टी में हमें एक दूसरे पर गिरना था तो वाकई में चोट आती थी वहाँ पे जो घुटने तक जो घास थे उसमें काटे काटे थे वो लगता था तो परेशानी तो बहुत हुई लेकिन एकदम रियल फाइट वो देखने से ही पता चलता कि रियल फाइट हो रहा है और जब हम वो शूट कर रहे थे हमें वाकई में नहीं पता चलता था और हम वो रियल में ही कर रहे थे तो वो जो फाइट एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था लोकेशन में एक पेड़ नहीं था ये मतलब आप समझ लें 3 फीट के हाइट के सारे घास थे सब एकदम मुरझाए हुए घास थे एकदम बंजर जमीन थी तो एक छतरी थी कभी डीओपी के ऊपर छतरी जाती थी कभी कैरेक्टर एकदम भाग भाग के जैसे इनका चेजिंग सीक्वेंस था पटलिया और हीरो मेन जो गिर जाए इनका चेसिंग सीक्वेंस में थक जाते तो वो हाँपने लग जाते रियल में जो पसीना चाहिए था वो एक्चुअली ऑन सूट ही पसीना आ जा रहा था हमें बार बार स्प्रे नहीं मारना पड़ा था पसीने के लिए तो वो उसी कड़क धूप में मतलब आप चरम सीमा तक समय गर्मी का आप कह सकते हैं और समहाउ बहुत ही अच्छी तरह से वो हो गया वहाँ पे
बीइंग अ डायरेक्टर, आपको कौन से सीन में ज्यादा वाओ, मतलब ज्यादा मजा आया कि नहीं ये बहुत बढ़िया बन चुका है? ऐसा ओवरऑल तो मूवी काफी बढ़िया लग रही है, दिख रही है, लेकिन आप पर्सनली क्या फील करते हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो कुछ सीन्स मुझे काफी अच्छे लगे। जैसे एक सीन है जिसमें हमारे नील भाई जो हैं वो काफ़ी टॉर्चर से गुजरे हैं और वो एकदम बिल्कुल अनकॉन्शियस थे और उनको उठना था और उस समय उनके बॉडी पे कुछ भी कपड़ा नहीं था और ट्रिक ये था कि उनको बिना कपड़े का उठना है, मैनेज करना है कि उनके लोअर बॉडी पार्ट्स कैमरे पे ना दिखे और साथ ही साथ उनको अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देनी थी और बहुत सारी मतलब टेक्निकालिटी थी उस सीन के दौरान। उनके बॉडी के आसपास एक बोरा पड़ा था, उस बोरे को वो अपने बॉडी पे उनको रैप करके उठना था ताकि जब वो उठे तो उनका बॉडी कवर हो गया हो और ये सारा चीज़ वन शॉट में करना था, नो टेक्स विदाउट एनी अनदर टेक, एक शॉट में करना था। तो ये काफ़ी दिक्कत वाला सीन था और वन शॉट में उन्होंने ये शॉट किया और इतना अच्छा किया जिसके लिए मुझे मतलब सारी टीम ने वाव किया उस चीज़ के लिए और मुझे बहुत पसंद आया वो सीन और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो सीन के लिए। मैं बोलूँगा कि इट वॉज द बेस्ट सीन ऑफ दिस फिल्म। डबिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, डबिंग में काफी वो फील को देना जो हम ऑन शूटिंग के टाइम में जो फील दिए थे, तो उस फील को निकालना बार बार बिकॉज ऑफ डायरेक्टर साहब भी बैठे थे, नहीं हमें इस बेस में आवाज़ चाहिए, तो खासकर मेरी वॉइस ऊपर नीचे होती रहती तो उस पर मैं काफ़ी वैरायटी दिया, तो वो भी बहुत अच्छा गया। और डबिंग जो हमारे थे सर डबिंग वाले काफ़ी अच्छा कॉपरेट कर रहे थे, मतलब तो बहुत कॉपरेशन के साथ डबिंग भी अच्छे अंजाम में बहुत अच्छा रिजल्ट। हर एक मोमेंट्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन कहते हैं ना जब तक एक शॉट पूरा बन के नहीं आता तो हमें उसी समय वाव लग रहे थे, वाव ये अगर ऑन स्क्रीन दिखेगा तो कैसे लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ क्वेश्चन, एक एक्टर यही सोचता है कि मैं कैसे लगूंगा, तो अपने आप को मैं देखते, तो कुछ जगहों पे डायरेक्टर साहब मेरे कुछ लाइन्स भी थे उसको काट दिए, तो बोला ये क्यों काट दिए, बार बार कुछ एक्टर्स भी ऐसे ही बोलते हैं ये लाइन क्यों काट दिए, तो बाद में जब हमने पूरी फिल्म देखी तो हमें समझ में नहीं, ये विजन था हमारे डायरेक्टर साहब का कि कम शब्दों में वो चीज़ बयां हो जाए, वो स्क्रीन प्ले जो स्क्रीन कहती है जो एक्शन कहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बल्कि नहीं कि डायलॉग्स बोल के हमें समझाना मतलब पब्लिक समझे, तो तभी समझ में आया कि हाँ वो जरूरी था कटना, तो वो सब जो डायरेक्टर साहब का जो विजन होता है उसका। तो हम डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी देख रहे थे और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने प्यारे शब्दों से कमेंट करें हमारे इस वर्क को, हमारे फनी मोमेंट्स को, और हम इसी तरह के कुछ और सब्जेक्ट के साथ आपके साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, तब तक देखते रहिए। मैं तो ये कहूँगी भाइयों,
आप हमारी फिल्म को जरूर देखें और लंगोटियाज़ लैब को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं तो बटले आ जाएंगे।